हेलो सर। हाँ हाँ सर, बात कर सकते हैं अभी? हाँ हाँ बताओ। हाँ सर, मेरे को पूछना था वो गलती क्या हुई है, तो थोड़ा मैं सोच रहा था नहीं नहीं उसके ऊपर। गलती, हाँ ऐसी गलती नहीं है, तुम्हारे से कोई गलती नहीं है इसमें। वो जैसे तुमने नहीं, सीखा है तुम्हें से आगे पढ़ा रही है, जैसे उन लोगों ने सीखा है वैसे आगे वो भी अपने को कमेंट्स नोट कर रहे हैं, हाँ तो उसमें तो गलती नहीं है ना तुम दोनों आपस में तुम लोग। लेकिन उसमें उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम सही मान के चल रहे हैं। हाँ नहीं, मुझे मालूम है कि मैं गलत तो होंगी, क्योंकि ये बहुत नहीं नहीं हाई लेवल का है, वो टॉपिक ही इतना हाई लेवल का है, तुम्हारा नहीं ना, तो कोई भी ह्यूमन बींग्स उसको गलती सिखाएगा, तुम हो या कोई और हो, वो ऐसे ही सिखाएगा, गलती सिखाएगा सबको, ओ क्योंकि अच्छा वो तुम्हें सीखा तो सब एक ही सिस्टम से है ना। तो अच्छा उसने भी नोट्स बना रखे हैं सारे के सारे A to Z, तो वही तो पढ़ के आगे डालती रहती हो हाँ, उसमें। ओके। वो तुमने भी बना रखे होंगे ऑब्वियसली, नहीं बना रखे होंगे नहीं, तो इसके फिर चलो नोट्स तो नहीं थे मेरे पास, मैंने तो ऐसे ही सोच सोच के ही डिस्कस कर रही थी, क्योंकि अच्छा है। मतलब इसके तुम्हारे नोट्स वो नहीं तो मिले। तुम्हारे माइंड में है ना, वो नोट्स जरूरी नहीं ना कागज पे हाँ हो, हाँ माइंड में लिखे हाँ हो हाँ तो एक्चुअली बात तो एक ही है, ओरिजिनल अपना नहीं हाँ होता ना कुछ भी, तो राइट। उसके भी दिमाग में थोड़ी कि नोट पढ़ के बाद लिख दिया, वो उसने भी तो नोट हाँ बना के रख के माइंड में रख लिया ना, बात तो एक ही है। हाँ अब उसमें हजारों चीजें ठीक हैं जिनको मैं, जैसे मान लो एफोरिज्म में एक एक टुकड़े करने हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे एफोरिज्म, हाँ 9 हाँ के थे ना टुकड़े, हाँ उसमें कोई स्पिरिट लिख रहा है, कोई सोल लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन लिख रहा है ना कुछ। तो अब उन चारों को पता होता नहीं है कि स्पिरिट क्या चीज होती है, सोल क्या चीज होती है। तो अब जो वाइटल फोर्स है वो ही स्पिरिट है, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना स्पिरिट होनी चाहिए, तो हम आत्मा है तो वही स्पिरिट है। तो उसको लोग कहते हैं कि हमारे अंदर कि वो पूरी बॉडी में रन अप करती रहती है, अनबाउंडेड सोए ऐसे। अब मेरे को एक्चुअली याद नहीं होता ना कि मेरा कौन कौन से पॉइंट, उसमें बहुत सारे पॉइंट है। अच्छा, ओ अब मेरे को तो उस वक्त तो मैं मान लो तुम अगर उसमें उठाओगे कोई पॉइंट तो तुम्हें बता दूंगा भाई ये ऐसे रॉन्ग है। अच्छा, वो मान लो चलो स्क्रिप्ट की बात है, तुमने ऑटोक्रेसी था, फिर लॉ ऑटोक्रेसी, रूल। ऑटोक्रेसी जो होती है ना, हनुमान साहब ने जो भी लिखी है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक माने माइंड है। चलो माइंड का ही लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग माइंड से चलते, इसको ऐसे समझते हैं माइंड क्या होता है। हम लोग ये लिखे ना माइंड, टोटल माइंड के द्वारा उसकी पर्सनैलिटी समझते हैं, फिर लास्ट पोर्शन उठाते हैं, इसका भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया आ गया कि वो हाँ, गॉड गिफ्टेड माइंड यूज इट सेल्फ, इनडवेलिंग रीजन गिफ्टेड हाँ इनबिल्ट रीजन गिफ्टेड माइंड यूज इट फॉर इट सेल्फ फॉर हायर पर्पज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, माइंड। ऐसे शायद है ये, है ना। हाँ, राइट। तो माइंड अपने आप में कुछ नहीं होता है बेसिकली, अगर हम लोग इसको, क्योंकि तो दुनिया में कोई भी आदमी हेल्दी नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि परमात्मा ने उसको बनाया नहीं है, हमारी बॉडी ऐसे बनी हुई नहीं है। जैसे उसके अंदर 3 नाड़ियां होती हैं ऐसे समझिए, जो ये एक तो बॉडी है ही फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल लेवल पे हम देखें तो लेफ्ट सिंपैथेटिक होता है, राइट सिंपैथेटिक होता है और पैरा सिंपैथेटिक होता है, ठीक है ना। अब लेफ्ट और राइट में हमें कोई अंतर मालूम है नहीं, नहीं मालूम ना, हम तो सोचते हैं भाई ये दोनों बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल चीजें हैं। तो लेकिन जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैरासिंपैथेटिक होता है, उसके अंदर जो पावर होती है वो हमारी इमोशनल पावर्स होती है, ठीक है। तो अब जब बच्चा पैदा होता है, प्योर होता है, तो ये चीज उसमें होती नहीं है, तो उसको जिस एनवायरमेंट में डालते हो तो लगभग उसी जैसा वो चीजें गैदर करने लगता है। तो जैसे जैसे वो इमोशनल लेवल पे ज्यादा बढ़ेगा हालात की वजह से कैसे भी, तो उसका अंदर सुपर ईगो यानी कंडीशनिंग ज्यादा बढ़ेगी, यानी ब्रेन के अंदर राइट हिस्सा उसका खराब होने लगेगा, ठीक है। तो वो माइंड डेवलप ऐसे बाई बर्थ रिएक्शन से माइंड डेवलप होना शुरू होता है। ऐसी राइट साइड है हमारी, तो वो
रीजनिंग है, इंटेलेक्चुअल पार्ट है हमारा वो. तो जो लोग जिनका स्वभाव से जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं तो वो अपने राइट साइड को यूज करते हैं, तो उनका ब्रेन लेफ्ट साइड में डैमेज होने लगता है. तो ये रिएक्शंस टू एनवायरमेंट एट इमोशनल लेवल एंड फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, ये दोनों मिलके माइंड क्रिएट करते हैं. तो माइंड रीजन गिफ्टेड अपने हिसाब से नहीं है, रीजन गिफ्टेड वो इंटेलिजेंस है हमारी माइंड, जिसको हम लोग माइंड बोल रहे हैं, एक बुद्धि होती है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड है, इंटेलिजेंस है, विजडम है, कॉन्शियंस है, कॉन्शियसनेस है, तो इन सबको हम मिला जुला के माइंड भी समझते हैं, पर ये सब अलग अलग चीज है. तो उसमें जो लिखा ना, रीजन गिफ्टेड माइंड यूजेज फॉर इट्सेल्फ फॉर इट्स हायर पर्पज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, हायर पर्पज ऑफ लाइफ है. तो जो माइंड है, यानी हमारे को ये जब ये सारी चीजें बाधाएं हमारे ऊपर लगी हुई है ना, मान लो कोई खाने की स्कैर्सिटी है, कोई फियर है, कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, या और ऐसे हजार कोई सेक्स की प्रॉब्लम है, कोई इमोशन की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी चीजें, ये हमारा जो रीजनिंग माइंड है हम इसी में इन्वॉल्व रहेंगे. तो वो यानी वो जो रीजनिंग पावर है हमारी, जो हमें चाहिए कि भाई हमें तो हायर पर्पज ऑफ लाइफ में जाना है, उधर तो ध्यान ही नहीं जाएगा हमारा, और हमें मालूम भी नहीं है हायर पर्पज है क्या. हम उसमें ज्यादातर लोगों ने लिखा ना, हायर पर्पज माने कि एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, सेवा करना, ऐसे लिखा है ना उसमें, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आसपास के वातावरण को शेयर करो, हारमोनियस में रहो, तो उसको हायर पर्पज उन्होंने दिया है. तो पर ये तो हायर पर्पज हुआ नहीं, क्योंकि ये काम तो जानवर भी करता है. मान लो उसका जो नेचर है जानवर का, कोई भी जानवर हो उसका अपना एक नेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चलता रहता है, उससे बाहर तो वो जाता नहीं, वो किसी की हारमोनी तो डिस्टर्ब करता नहीं है. तो पर वो हायर थोड़ी होता है ह्यूमन बींग से. तो हायर मीन्स ह्यूमन बींग से ऊपर की स्टेज में जाना है हमारे को. जैसे ह्यूमन बींग इज हायर देन चिंपैंजी, समझ आया पॉइंट, है ना, दोनों हायर. तो ह्यूमन बींग से हायर क्या है, वो तो हमने अभी देखा ही नहीं है, तो फिर जाएंगे कैसे. पॉइंट समझ आया ना. तो ये रीजन गिफ्टेड माइंड अपने आप को उस एवोल्यूशनरी फोर्थ प्रोसेस में ले जाए, वो तब ले जाएगा जब इन चीजों से हमारी चीजें हटेंगी, ठीक है. पर ये हटने वाली नहीं है. तो इसमें क्या होता है, इसलिए जब भी एक्सट्रीम चीजें होती हैं तब हम लोग बीमार होते हैं, चाहे वो कैसी भी है, चाहे अच्छाई है, चाहे वो चीयरफुलनेस है, चाहे प्लेफुलनेस है, चाहे जेनरोसिटी है, चाहे बेनेवोलेंस है, ये सारी अच्छी चीजें हैं, पर फिर भी मॉर्बिड है, फिर भी बीमार करती है हम लोगों को. तो अच्छे संस्कार भी उतने ही खराब होते हैं जितने बुरे संस्कार होते हैं. नहीं तो जेनरोसिटी, आपको सब कहते हैं ना भी दान दो, तो जब जेनरोसिटी है तो बीमार क्यों है. पॉइंट समझे. तो हायर गिफ्टेड, हायर लाइफ का ये मतलब नहीं है कि वो हारमोनी से जिया जाए. हायर पर्पज का मतलब है कि जो ह्यूमन लेवल है, ह्यूमन बाउंडेशन है, जो छह एनिमीज है हमारे, बताते ना पांच छह, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, जब आप हायर स्पीच पे जाओगे तो जो ह्यूमन बाउंडेशन समझ लीजिए, ह्यूमन लिमिटेशन समझ लीजिए, ये सारी टूट जाएंगी. तो उस पर्पज की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए. तो वो कैसे रहेगा, वो इससे वो नेचुरल वे में नहीं रहता. तो उसमें आपके पास एक सवाल आना चाहिए. क्या सवाल आएगा कि भाई मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, तब खोज शुरू हुई ना फिर आपकी. है? मैं जानवरों से ऊंचा कैसे हूँ, भाई जानवर भी वही सारे काम करते हैं जो हम करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है. जानवर खुश रहता है और हम दुखी रहते हैं, ये अंतर तो जरूर है. है ना, चाहे हम एसी में बैठे हों, जानवर बाहर नाली में पड़ा है तो वो हमसे ज्यादा खुश होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है. है ना, हम एसी में बैठे हैं, बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, सब कुछ है, बीवी बच्चे सब अच्छे हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं. फिर हम उससे हायर किस सेंस में हुए, एक किस सेंस में हायर होते हैं कि ईश्वर ने हमको एक आजादी दे रखी है कि आप खुद चूज करो कि आपको जाना कहाँ है, ये काम करना या वो काम करना है. जैसे मान लो किसी का मर्डर करना है या उसको नरिश करना है, तो ये हमारी अपनी आजादी होती है. गॉड थोड़ी पकड़, आप इसका मर्डर करने जा रहे हो तो गॉड थोड़ी आपका हाथ पकड़ेगा भाई मर्डर नहीं करो. उसी का मान लो आप उसको भला करना जा रहे हो तो अभी गॉड नहीं पकड़ेगा कि भला नहीं करो.
समझ के पाए, ये आजादी जानवर के पास नहीं होती है। तो जो शेर है वो शेर ही रहने वाला है, जो चूहा है वो चूहा ही रहने वाला है, लेकिन इंसान है कभी चूहा बनता है तो कभी शेर बनता है, हालात के अकॉर्डिंग बिहेव करता रहता है ना। तो ये आजादी इस चीज की है कि अब आप ह्यूमन बींग्स रहो, उसी बाउंडेशन में रहो या इससे ऊपर की स्पीसीज में चले जाओ। तो इससे ऊपर की स्पीसीज में जाने के लिए आपके अंदर इच्छा आ जानी चाहिए। इच्छा कैसे आएगी? इच्छा तो फ्रस्ट्रेशन से आती है, क्योंकि कहते हैं ना भाई, डिस्कवरी इज द इन्वेंशन इज द नीड मदर ऑफ ऑल नीड्स, ऐसे होते ना। तो नीड ही नहीं होगी तो आप इन्वेंशन नहीं करते। तो अगर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो उस लाइफ से, तो तभी होगी जब आपकी हारमोनियसली चल रही होगी और मजा आ रहा होगा जिंदगी का। तो हारमोनी तो हायर पर्पज के लिए फिर उल्टा रुकावट बन गई, समझ आ गए। तो डिसहारमोनी जो आपके जीवन को खराब कर रही है, जो आपको फ्रस्ट्रेट करा रही है, वो आपको खोज का रास्ता देती है। तो इसलिए और हायर पद पर क्या है कि आप जैसे उसमें लिखा यू आर द स्पिरिट लिखा है ना, स्पिरिचुअल बाइंड, अब गीता में भी लिखा है कि आप आत्मा हो लिखा है ना। तो लेकिन हमें कहाँ पता लगता है कि हम आत्मा है? हमारी बॉडी थोड़ी बताती है कि हम आत्मा है। तो और वही आत्मा को बनना है, तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, ऐसा कहते हैं, वो भी सुना हुआ है, हमारा अपना एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम आत्मा हैं और जो अभी हमें नहीं पता है, तो हमें उस लेवल पे जाना है जहाँ हमें यही रहे कि अब ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम आत्मा है। मतलब ये थॉट नहीं, कन्विक्शन नहीं, ये स्टेट, जैसे चिंपैंजी है उसकी अपनी स्टेट है, उसी दायरे में रहेगा वो, ह्यूमन बीइंग की अपनी एक स्टेट है। तो उस स्टेट, जो स्टेट है, जिस जो उसको ह्यूमन बीइंग बनाए हुए है, उसको रिलीजन बोलते हैं, धर्म। नहीं समझ आया पॉइंट? मान लो हमारे पास 10 कमांडमेंट्स है, भाई ये चोरी नहीं कर, लड़कियां नहीं छेड़, और पता नहीं ऐसे है ना 8-10 हमारे, किसी के बुरी नजर बुरा मत कर और ऐसे 10 पॉइंट। तो 10 कमांडमेंट अगर हमारे अंदर ये 10 के 10 मौजूद हैं, मतलब काम कर रहे हैं, ये पावर्स वर्चुअल हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग हैं। अगर उसमें से मान लो कुछ कम हो जाते हैं, 1 या 2, इनको हम ह्यूमन वैलेंसीज बोलते हैं, 10 वैलेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे कार्बन की 4 होती है ना, ऐसे इसके 10 ह्यूमन बीइंग। अब इसमें से मान लो कार्बन की 1 वैलेंसी भी अगर कम हो जाती है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर किसी से रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन इज ए साइन ऑफ इन अनस्टेबिलिटी। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग में जो 10 ये क्वालिटी है, 10 कमांडमेंट, अगर इनमें से 1 भी कम हो जाती है, तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, फिर देखने में ह्यूमन बीइंग रहता है वो। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी को देखो भाई, उसने छोटे बच्चे को रेप कर लिया, तो आपकी जवान से क्या निकलता है? ऐसे निकलता है ना, ये राक्षस है, ये तो कोई नहीं कहता ह्यूमन बीइंग है। तो इसके अंदर वो जो 10 वर्च्यूज थे, वो उसके पास से काफी सारे, उनमें से काफी हट गए हैं, और उसको वो गिल्ट फील नहीं होती है, करता है तो वो उसको जस्टिफाई करता है कि भाई मैंने किया तो कोई गलत काम नहीं किया इसने। एक भी मेरे को रेपिस्ट आज तक ऐसा नहीं मिला है लाइफ में जिसको गिल्ट होती है, एक भी नहीं मिला, मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं। मतलब जो तो इस लेवल पे भी गिल्ट नहीं होती इनमें, क्योंकि वो चेतना इनके पास है नहीं। तो अब जो ह्यूमन बीइंग से इन 10 कमांडमेंट से ऊपर हमें जाना है, वो हायर पर्पज होता है। तो उसमें फिर हमारी डिजीज, जो बॉडी है वो डिजीज नहीं रहती है, वो सारी डिजीज अपने आप ही खत्म होने लगती है। अभी ये समझाना थोड़ा मुश्किल है उसमें। अब मान लो होम्योपैथी में क्या करते हैं, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, तो हमारी दवाई के बाद वो, या फियर है वो कम हो जाता है ना, फियर। तो यानी हम राइट और लेफ्ट से मिडल में लाते हैं, जो बुद्ध ने कहा ना मिडल पाथ में चलना है। तो मिडल पाथ में इसलिए चलता है कि मिडल पाथ से आप ऊपर हायर बीइंग में जाओगे, हायर स्टेट पे जाओगे, ह्यूमन से ऊपर चलोगे। तो ऐसे ये चीजें उसको लिखी नहीं जा सकती है, और अभी भी डिस्कस करने के लिए तो मुश्किल काम है ये तो यह है कि जो क्यूरियस लोग हों तो मैं फिर वो उसके साथ बहुत सारे सवाल उठाएंगे वो, तो फिर मैं एक एक का जवाब दूंगा तब जाके। इसलिए मैं कहना फुल डे सेमिनार हो तो बात बनती है खाली। अब तुम्हें कुछ तो आइडिया आ गया ना। हाँ सर। तो इसीलिए मान लो जो बहुत जनरस है, दवाई के बाद इतना जनरस नहीं रहता ना,
जैसे मान लो उसमें नेटर का केस था, वो अपनी डॉक्टर बीवी थी, वो डॉक्टर बहू है, अब वो सास की भी सुन रही है, ससुर की भी सुन रही है, दोनों अनपढ़ है, ठीक है ना, उनको जवाब नहीं दे रही, जबकि वो उल्टे उसके सर पे हावी रहता है। अब नेटर जोड़ देती है, उनको दोनों को जवाब देना शुरू कर देती है, उसको समझ आ गया ना कि ये बदतमीज लोग हैं, तो मेरे को ऐसे नहीं चलना है, तो मिडल में आ गई ना वो। तो ऐसे मिडल में आना ही एवोल्यूशन के पाथ पे चढ़ाना है। उस समय आदमी को थोड़ी देर के लिए वेलबींग होती है, तो वेलबींग के बाद फिर उसको ये समझ आने लगती है कि यार मैं सास की इज्जत क्या करूं जब मेरे को ये जूते मार रही है, या इसको इस भिखारी को मैं 100 रुपए क्यों दूं, फिर वो जनरोसिटी उसकी खत्म हो जाती है, फिर नहीं रहती उसके। भगवान बुद्ध ने कब कहा, इसमें है एग्जाम्पल है, उन्होंने कब किसी का भला किया, मतलब इस पॉइंट से कि भाई चल तू 10 रुपए ले ले, किसी का नहीं करा ना, उल्टा उनको बताया भी तू ऐसा 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 घर ला जहाँ कोई ना मरा हो, तो मैं तेरा बच्चा जिंदा कर देता हूँ। उन्होंने जिंदा कब किया, समझ आ गया पॉइंट। तो ये हमारे ह्यूमन चीजें हैं जो हमें इस तरह से रखती हैं, तो इससे आगे निकलना है। पर ये ऐसे तो एक पॉइंट समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब तुम्हारी लिमिटेशन को देखते हुए अपने टॉपिक को मैं थोड़ा सा माइल्ड कर करके समझा रहा हूँ। तो ये बड़ा डीप सब्जेक्ट है, और सोल जो होती है, सोल हमारे अंदर होती नहीं है, हम लोग सोल नहीं होती, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, स्पिरिट होती है। स्पिरिट और फाइव क्या क्या हमारी बॉडी बनती कहते हैं, एक स्पिरिट है, 5 एलिमेंट से बनती है, वो जो होते हैं ना जल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इतना समझ आया। और एक कुंडलिनी होती है, जो मैं बार बार कुंडलिनी की बात करता रहता हूँ, ठीक है। तो सोल क्या होती है, स्प्रिट कुंडलिनी प्लस 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट कौन से, वायु अग्नि और आकाश। इस फॉर्म में जो बॉडी रहती है, बहुत सूक्ष्म बॉडी जो दिखती नहीं है, वातावरण में घूमती रहती है, उसको सोल बोलते हैं। और जब वो सोल भी धीरे धीरे करके उसमें से भी 3 और 4 एलिमेंट गिर जाते हैं, तो अकेली जो स्पिरिट और कुंडलनी वो फिर परलोक को चली जाती है। जो तुमने उसमें लिखा है ना कि गॉड, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता कि ये जायगोट मिलके कैसे वो बनता है, उसका जवाब दे। तो हाफ कुंडलनी एक के साथ रहती है हाफ, तो इसलिए वो स्वर्ग में दोनों जाते हैं। फिर स्वर्ग में ही डिसाइड होता है कि दोनों का मिलन कहाँ होगा, किस फैमिली में होगा, कौन मेल बनेगा कौन फीमेल बनेगा, तो वहां से चलता है। ये मतलब लंबा काम है, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं समझ आएगा, समझ आया पॉइंट, मेरे पर जवाब सब क्या। तो वो सोल वोल होती नहीं, सोल मरने के बाद बनती है, सोल हमारी बॉडी में कहीं नहीं रखी होती है ना, उसने तो बहुत बार सोल का जिक्र किया ना, तो सोल होती नहीं हमारे पास। तो जब इसमें से एलिमेंट गिर जाते हैं, तो उसको फिर घोस्ट कहते हैं, भूत, वो वातावरण में घूमता रहता है, जिसे कहते हैं अतृप्त आत्माएं। तो अतृप्त आत्माएं जो होती हैं कुंडलनी, उसमें से कुंडलनी हट जाती है, स्प्रिट और ये 3 एलिमेंट रह जाते हैं, तो वो भूत होता है, फिर वो किसी के शरीर में घुसता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो ये बड़ा ये हायर पर्पज है, ना कि वो जो हम सोच रहे हैं वो है। अभी थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग गया होगा, मेरे पास पेशेंट काफी बैठे हैं, ये सब एंजॉय करते हैं इस बात को, क्योंकि सभी को मैंने सिखा रखा है, पर फिर भी दवाई तो देनी है ना, तो ओके ओके थैंक यू सर।